और हमारी आज की वीडियो के प्रायोजक हैं करने बेब्लेड हो जा शुरू घुमा के इन्हें हजारों चक्कर देंगे हम जंग के टक्कर जब बहुत ही बेब्लेड घूमो घुमाओ हेलो एंड वेलकम टू साइक वाइज जहाँ पर हम सिर्फ साइंस की बात करते हैं और हम डिस्कस करेंगे काउ और गीस को इन दोनों ही एनिमल्स से और इंसेक्ट से इंसान कुछ कुछ चुराता है कि एक लिक्विड है एक केस में हानि है और दूसरे के केस में मिल्क आपको पता है काउस को 10,000 ईयर्स ago पहले डोमेस्टिकेट किया गया था और बीस को 6,000 ईयर्स ago पहले और काउस के डोमेस्टिकेशन के 3 सोर्स मिले हैं एक इंडिया में एक चाइना और एक गल्फ कंट्रीज तो मिल्क का तो सबको पता होगा कि कैसे बनता है बीज हनी कैसे बनाती है वो जानते हैं नेक्टर लेती है उसमें 80% तक वाटर होता है फिर वो एक दूसरे को माउथ टू माउथ ट्रांसफर करती है नेक्टर को और लास्ट में जाके उसे हाइव में स्टोर कर देती है तब तक उसमें सिर्फ 18% ही वाटर रह जाता है सो हनी इज बेसिकली नेक्टर की उल्टी हनी के एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के बारे में आपको तो पता ही होगा और ये जम्स और बैक्टीरिया को भी मार देता है जिसमें पानी कम होता है तो वो उन्हें सुखा के मार देता है और अब हम मिल्क के बारे में बात करेंगे मिल्क तो कंप्लीट फूड होता ही है मगर ये सबके लिए नहीं होता है तो सिर्फ 65% ऑफ पॉपुलेशन जो कि 8 ईयर से अबव है वो ही मिल्क को डाइजेस्ट कर सकती है बाकियों के लिए ये इनटॉलरेबल है और न्यूबॉर्न के केसेस में ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है इतना डेंजरस कि वो दूध पीने पे मर भी सकते हैं और ये बहुत ही एक सीरियस जेनेटिक प्रॉब्लम है इसे जेनेटिक या फिर प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं और अब बात करते हैं लैक्टोज की लैक्टोज होता क्या लैक्टोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट या शुगर कह लीजिए 4-5% मिल्क को बनाता है और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं एक है एक्सेसिव फ्लैटुलेंस दूसरे नोशिया तीसरा है ब्लोटिंग और चौथा है एक्सट्रीम केसेस में डायरिया इसके बाद मैं कहूँगा कि डॉक्टर के पास जाकर पता करें खुद अपने आप को डायग्नोस ना करें कभी भी और वैसे भी कभी भी किसी काऊ के कहने पर मिल्क पीना छोड़ना ये तो बेवकूफ़ी ही कहलाएगा सिर्फ मैप पे आ जाते हैं वर्ल्ड के ये कहाँ कहाँ और कितना मिलता है ये अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग जगह मिलता है नॉर्थ यूरोपियंस में ये लैक्टोज डाइजेस्ट करने की सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है और नॉर्थ इंडियंस में 66% और साउथ इंडियन में 88% लैक्टोज इनटॉलरेंस पाया जाता है अगर ये डेयरी प्रोडक्ट्स में 1.5% से कम है तो ये काफ़ी टॉलरेबल होता है और मोस्ट ऑफ द पीपल इसे आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं बट अगर आप ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं तो ये इतना भी नहीं कर पाएंगे कुछ एग्जांपल दे देते हैं कि कौन कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स में कितना लैक्टोज होता है बेबी फूड तो भंडार है 56% लैक्टोज के साथ मिल्क चॉकलेट जो है उसमें 8.21% इट्स टू हाई पनीर में 2.0% से 2.7% तक क्रीम में 4.1% तक कर्ड और योगर्ट में 2.9% तक आइसक्रीम में 6.2% सॉफ्ट चीज़ में 5.8% और एज चीज़ में 0.5% ये कुछ कुछ डायबिटीज़ की तरह है जिसमें बस शुगर की जगह लैक्टोज है अब कई लोगों ने तो अफवाह फैला रखी है काऊ ऑक्सीजन लेती भी है और काऊ ऑक्सीजन छोड़ती भी है ये कुछ कुछ साइफाई जैसा है मैं तो कहता हूँ अच्छा साइफाई राइटर देखना है तो उसकी डिग्री देख लो अगर उसके पास साइंस की डिग्री है तो अच्छी साइफाई लिखता होगा ऐसे ऐसी अफवाह फैलाने वालों का बस चले तो ये काउस को रॉकेट में डाल के बिना स्पेस स्पेस को छोड़ के भी आ और ये यही ख़त्म नहीं होता है गाय के दूध में रेडियो विकिरण से रक्षा करने की सर्वाधिक शक्ति होती है और हम रेडियो विकिरण यानी माइक्रोवेव की मदद से दूध को पका भी लेगा गाय का दूध दिल की बीमारियों से बचाता है गाय का दूध याददाश्त को बढ़ाता है तो इन दोनों बातों को कंफर्म करने का एक तरीका है कि किसी साइंटिफिक जर्नल में चेक करो ये अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन है इसमें एक स्टडी छपी है उसमें लगभग 45,000 लोगों का और 90,000 वुमेन्स का चेकअप किया गया जो जिसका रिजल्ट ये निकला था कि अगर हम एनिमल फैट्स को डेयरी फैट भी इंक्लूड है एनिमल फैट्स में वेजिटेबल फैट से सब्स्टिट्यूट कर दें तो रिस्क कम हो जाता है हार्ट डिजीज का मतलब ये है कि अगर दूध को भी रिप्लेस कर दें वेजिटेबल से तो ये रिस्क और भी कम हो जाता है
और इस पूरे पेपर में कहीं ने लिखा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाता है। उसी जर्नल का एक और पेपर है जिसमें ओल्ड एज पीपल के ऊपर स्टडी की गई है कि उनका डेयरी इनटेक में और एक ब्रेन एंजाइम ग्लूटाथियोन में रिलेशन देखने की कोशिश की गई है। उसका रिजल्ट ये निकला है कि ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि डेयरी इनटेक से ग्लूटाथियोन की प्रोडक्शन दिमाग में बढ़ जाती है, बट इससे ये प्रूव नहीं होता कि डेयरी इनटेक में और मेमोरी में कोई रिलेशन है या नहीं है। और ये दोनों स्टडीज़ मैंने इसलिए चुनी क्योंकि US में इंडिया से भी ज़्यादा काऊ मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और इंडिया में अनलेस स्टेटेड की पैक पे ये काऊ मिल्क है वो काऊ मिल्क नहीं, वो बफेलो मिल्क होता है। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर जी ई बिगेड ने गोबर के अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि गाय के ताजे गोबर से टीबी और मलेरिया के कीटाणु मर जाते हैं। गाय के गोबर में हैजे के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति है। क्षय रोगियों को गाय के बाड़े या गौशाला में रखने से गोबर की गंध से क्षय रोग के कीटाणु मर जाते हैं। सबसे पहले तो इस जीई ब्रिगेड नाम के साइंटिस्ट को ढूंढने की कोशिश करी मैंने, तो उसका तो कुछ आता पता नहीं लगा गूगल पे, मगर जो ये बात कही गई है वीडियो में वो इस पंचकव्य नाम के पेपर में मिली है। दिस वॉज रिटन इन 2005, कुलदीप धामा द्वारा लिखा गया पेपर है, और तो कहीं नहीं मिला, बस इसी पेपर में यही लाइन जो इसने एंकर ने बोली है वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। और इसके अलावा आपको कुछ और मिलता है जो इससे भी पुरानी डेट का है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा काम ये किया कि मैंने चेक किया कि काउडंग में कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो ज़्यादातर बैक्टीरिया तो ग्राम नेगेटिव यानी हार्मफुल होते हैं। उनमें से दो है एंटेरोबैक्टर एरोजिनस और सिट्रोबैक्टर कोसरी, और इनके अलावा ई कोलाई तो इतना महान बैक्टीरिया है कि एक बार काउडंग ने दो बच्चों को सीधा सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दिया और वहाँ ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रहना पड़ा इन दोनों बच्चों को। मैं तो कहता हूँ एक चम्मच गोमूत्र रोज पी लीजिए, आपको जिंदगी में कभी भी टीबी और कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होंगी। अब ये सुनने के बाद सीधा गूगल पे गया मैं, मैंने सोचा कि ऐसी कैंसर से लड़ने की ताकत होने के बाद तो काउस को कोई बीमारी कभी होनी ही नहीं चाहिए, बट एक सिंगल गूगल सर्च ने ये सब झूठा साबित कर दिया। फिर अगला काम मैंने ये किया कि देखा कि काउस को कैंसर होता है या नहीं होता है। तो पहला पेपर मिला मुझे हॉर्न कैंसर पे जिसमें सभी इंडियन रिसर्चर्स ने काम किया है, इसमें 1% ऑफ कैटल पॉपुलेशन में कैंसर मिला है, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया कार्सिनोमा का मतलब इन्होंने सीधा सीधा नीचे लिख भी दिया है कि ये इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द कैटल पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाई दिस ट्यूमर मोस्टली इन वर्किंग बुलॉक्स एंड समटाइम्स इन काउस। और दूसरा कैंसर है आई कैंसर। ये स्टडी अप्रॉक्सीमेटली 80,000 कैटल पर की गई थी। ये स्टडी सिर्फ मेल कैटल पे की गई थी। इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 33/1000 में आई कैंसर मिला है। तो बहुत लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैंसर का क्योर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में ज़्यादा पैसे हैं रेदर देन फॉर क्योरिंग द कैंसर, मगर काफ़ी लोग आपको ये नहीं बताएंगे ये कैंसर जो है वो सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं और हर एक कैंसर का अलग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और कैंसर का अगर कोई इलाज होता अभी तक सिंगल मेडिसिन में, तो अब तक बहुत सारे साइंटिस्ट हल्ला मचा चुके होते हैं, बिजनेस मैन को तो छोड़ो। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको कोई कहता है कि सिर्फ एक दवाई खाने से कोई कैंसर वगैरह सही हो जाएगा, तो वो आपको कुछ ना कुछ बेचना चाह रहा होगा। और ये सब यहीं ख़त्म नहीं होता है, इनका साइड इफेक्ट अभी भी बचा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे अभी भी कुछ बचा है तो वो क्या हो सकता है, और वो ये है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने रिसर्च के लिए क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक का इस्तेमाल किया है। टेस्ट के लिए गिर नस्ल की 400 गायों के सैंपल लिए गए। इसमें बच्चे को जन्म न देने वाली गाय, प्रेग्नेंट और दूध देने वाली गायों के सुबह शाम के गौमूत्र के नमूने लिए गए। रिसर्च में पाया गया कि 1 लीटर गौमूत्र में
10 से 30 मिलीग्राम सोना, 2 मिलीग्राम चांदी और 0.5 मिलीग्राम जस्ता। ये सोना आयोनिक रूप में मिला जो कि पानी में घुलनशील गोल्ड सॉल्ट है। इस सोने को निकाला जा सकता है और केमिकल प्रक्रिया से उसे ठोस बनाया जा सकता है। इस रिसर्च में गाय के अलावा ऊंट, भैंस, भेड़ के यूरिन का भी परीक्षण किया गया था, लेकिन गिर नस्ल की गायों के अलावा किसी में भी सोना पाए जाने के लक्षण नहीं मिले। रिसर्च में ये भी दावा किया गया है कि गिर की गाय में सिर्फ सोना ही नहीं 5100 रसायनों की भी पहचान की गई, जिसमें एंटी कैंसर, एंटी कोलेस्ट्रॉल, एंटी डायबिटीज, एंटी एजिंग, एंटी ओबेसिटी के गुण वाले रसायन भी शामिल है। जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की फूड टेस्टिंग लैब NABL से मान्यता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने गोबर चेक नहीं किया, उसमें भी गोल्ड मिलता जो कि इन्होंने चेक ही नहीं करा बिल्कुल ऐसे ही। तो पॉइंट नंबर 2 है कि गोल्ड सिर्फ तभी बन सकता है कि जब किसी स्टार में सुपरनोवा हो, यानी वो स्टार के एंड टाइम पे वो फट जाए और उस न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस में और तेजी आ जाए, तभी वो ऐसे भारी एलिमेंट्स बना पाता है जैसे कि गोल्ड है। ये गोल्ड तभी बनता है जब हम स्टार की डेथ हो जाती है और टाइम बाद उसके आसपास की जो डस्ट है वो कंडेंस होकर गोल्ड एटम्स में बन जाता है। तो काउज में तो सुपरनोवा होता नहीं है कि उनमें गोल्ड बन जाए। तो गोल्ड आया कहाँ से? तो गोल्ड का आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनके खाने में गोल्ड को मिक्स करके खिलाया गया है उन्हें। अगला पॉइंट है हनी बी के स्टिंग के बारे में, जो कि काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे कि हनी बी का जो स्टिंग है वो इंसेक्ट्स के लिए बना होता है, ना कि ह्यूमंस के लिए। तो अगर वो ह्यूमंस को स्टिंग करते हैं तो उनका स्टिंग जो है उनकी बॉडी से बाहर आ जाता है और साथ ही साथ उनकी इंटेस्टाइन्स और बाकी जो एडजॉइनिंग मसल्स होती हैं वो भी बाहर आ जाती है, इसके बाद वो इन्फेक्शन से मर जाती हैं। और एक आखिरी बात तो पता नहीं रही गई कि गाय सिर्फ 4 साल के लिए ही मिल्क प्रोड्यूस कर सकती हैं आउट ऑफ 20 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, और काउ सिर्फ 300 डेज तक ही मिल्क देती हैं आफ्टर गिविंग बर्थ टू द काउ। और यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। फिर आपको कोई सवाल पूछना रह गया है तो आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, सत्यमेव जयते।